कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का एस वी एच चिल्ड्रेन अकेडमी रावला मंडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो कक्षा 11 विषय इतिहास और पाठ पढ़ रहे हम दूसरा, और इसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। जैसे हम पहले अध्याय में मैंने पढ़ा था प्रारंभिक समाज कैसा था, फिर धीरे धीरे समाज कैसे विकसित हुआ, फिर कैसे शहरी जीवन शुरू हुआ और लिखने की कला कैसे शुरू हुई, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम लगभग 2 पार्ट के आसपास पढ़ चुके हैं। अब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे शहरी जीवन। ये लेखन कला प्रणाली हमने सारी पढ़ ली, कैसे लेखन कला होती है, कैसे उकेरी जाती थी, कैसे लिखा जाता था, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। अब आता है शहरी जीवन। ऊपर के विवरण से पता चलता है कि नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च तथा संभ्रात वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। धन दौलत का ज़्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुमूल्य चीज़ें यानी आभूषण, सोने के पात्र, सफ़ेद सीपियाँ और लाजवर्त जड़े हुई लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजर आदि विशाल मात्रा में उर में राजाओं और रानियों की कुछ कब्रों या समाधियों में उनके साथ दफनाई गई मिली। यानी पहले जब किसी राजा को या व्यक्ति को दफनाते थे तो उसके जो आभूषण होते थे ना, वो आभूषण भी उसके साथ ही दफनाते थे, कुछ चीज़ें भी दफनाते थे, ऐसी जानकारियाँ मिली है। लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या थी? कानूनी दस्तावेजों जैसे विवाह, उत्तराधिकारी आदि के मामले से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। यानी एकल परिवार किसको कहते हैं? जिसमें पति पत्नी होती है और बच्चे शामिल होते हैं, बस दादा दादी ये अलग हो जाते हैं। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे, पिता परिवार का मुख्य था। हमें विवाह की प्रक्रिया विधि के बारे में कुछ जानकारी मिली है। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू पक्ष को उपहार देते थे। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था, जैसे अपने होता है ना, और एक साथ बैठकर भोजन करते थे, फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। जब नव वधू को उसकी सास लेने आती थी तब वधू को उसके पिता द्वारा उसकी दाय का हिस्सा दे दिया जाता था। यानी पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे, यानी जो पुत्र का हिस्सा आता था ना उसे तब भी दे दिया जाता था। आइए अब उर नगर का अवलोकन करें। नगर है यह उन नगरों में से एक है जहाँ सबसे पहले खुदाई की गई थी। उर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर है जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। उसमें टेढ़ी मेढ़ी व संकरी गलियाँ पाई गई, जिससे यह पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियाँ वहाँ के अनेक घरों तक नहीं पहुँच सकती थी। अनाज के बोरे, ईंधन के गट्टे संभवतः गधे पर लाद कर घर तक लाए जाते थे। पतली व घुमावदार गलियों और घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार न होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। नगर नियोजन की पद्धति मतलब ऐसे नहीं था कि किस तरह घर बसाना है, सीधा जहाँ जगह मिली वहाँ घर बसा दिया। वहाँ गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नालियाँ नहीं थी जैसे कि उसके समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में पाई गई, बल्कि जल निकासी की नालियाँ और मिट्टी की नालियाँ उस उर नगर के घरों के भीतर आंगन में पाई गई, जिससे यह समझा जाता था कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता है और पानी का वर्षा का पानी निकास नालियों के माध्यम से भीतरी आंगनों में बने हुए होजों में ले जाया जाता था। शायद यह इसलिए किया जाता था कि एक साथ तेज वर्षा आने पर घर के बाहर की कच्ची गलियां पूरी तरह कीचड़ से न भर जाए। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा बुहार कर गलियों में डाल देते थे जहाँ वह आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। इस प्रकार बाहर कूड़ा डालते रहने से गलियों की सतह ऊंची उठ जाती थी, जिसके कारण कुछ समय बाद घरों की दहलीजों को भी ऊंचा उठाना पड़ता था ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घरों के भीतर न आ सके। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाजों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। इससे घरों के परिवारों में गोपनीयता भी बनी रहती थी। घरों के बारे में कई तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे जिनके विषय में उर में पाई गई शकुन अपशकुन संबंधी बातें पट्टिकाओं पर लिखी मिली। जैसे घर की दहली ऊंची उठी हुई तो वह धन दौलत लाती थी, सामने का दरवाज़ा अगर किसी दूसरे के घर की ओर न खुले तो वह सौभाग्य प्राप्त करता है, लेकिन अगर घर का
लकड़ी का मुख्य दरवाजा भीतर की ओर न खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कार्य बनेगी। उर में नगरवासियों के लिए कब्रिस्तान था जिसमें शासकों तथा जन साधारण की समाधियां पाई गई, लेकिन कुछ साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए पाए गए। देखिए ये शहर का दृश्य है, टेढ़ी-मेढ़ी गलियां, देखो ऐसे गलियां ऐसे है ना। फिर देखो पशु चारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। 2000 ईस्वी पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। ये मेसोपोटामिया की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। आपने देखा होगा कि मारी नगर दक्षिण के उस दक्षिणी भाग उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहाँ खेती की पैदावार भरपूर होती है, बल्कि वह फरात नदी की ऊर्ध्वाधारा पर स्थित है। मानचित्र 3 में विभिन्न रंगों का प्रयोग करके दर्शाया गया है कि ये ऊपरी क्षेत्र में खेती और पशुपालन साथ साथ चलते हैं। मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशु चारक दोनों ही तरह के लोग होते थे, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए काम में लिया जाता था। पशु चारकों को जब अनाज धातु के औजार आदि की जरूरत पड़ती थी तब वे अपने पशुओं और उनके पनीर चमड़ा मांस आदि के बदले चीज़ें प्राप्त करते थे। बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी। फिर भी किसानों और गडरियों के बीच कई बार झगड़े हो जाते थे। गडरिया कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजार कर ले जाते थे जिससे किसानों की फसल को नुकसान पहुंचता था। ये गडरिये खानाबदोश होते थे और कई बार किसानों के गांव पर हमला बोलकर उनका इकट्ठा किया गया माल लूट लेते थे। दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग भी इन पशु चारकों का रास्ता रोकते और उन्हें अपने पशुओं को नदी नहर तक नहीं ले जाने देते। मेसोपोटामिया के इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलता है कि वहाँ की कृषि से समृद्ध हुए भूमि मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदायों के झुंड पश्चिमी राजस्थान से आते रहते थे। ये गडरिये गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र के बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियाँ ले जाते। इसमें गडरिया फसल काटने वाले मजदूरों अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समर्थ होकर यहीं बस जाते। इनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करने की भी शक्ति प्राप्त कर ली। ये खानाबदोश लोग अकत्ती एमोराइट एसीरियाई और आर्मेनियन जाति के थे। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी और उन्होंने मेसोपोटामिया की देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डेगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी और सभ्यता विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों के परस्पर मिश्रण से ही वहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हुई। ये देखिए अभी जो फरात नदी है, कृषि भूमि क्षेत्र रवि देखा था ना आपने। अब देखिए मारी में जिम रिलम का राजमहल 1810 से 1760 ईस्वी पूर्व। ये देखिए राजमहल है, इस तरह बना हुआ था। ये प्रांगण और लिपि कार्यालय बच्चों मिट्टी दानों के साथ मिट्टी दानों पट्टिका रखी हुई। ये देखिए रसोई घर, कार्यशाला, रसोई, शौचालय और स्नान गृह इस तरह बने हुए थे। जिमरिलियम का मारी स्थित राजमहल, ठीक है ये देख सकते हो आप। किंतु मारी के राजाओं को सदा सतर्क और सावधान रहना पड़ता था। विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाजत तो थी परंतु उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। राजाओं और उनके पदाधिकारियों के बीच हुए पत्र व्यवहार में अक्सर इन पशु चारकों की गतिविधियां और शिविरों का उल्लेख किया गया। एक बार एक पदाधिकारी ने राजा को लिखा कि उसने रात को बार बार आग से किए गए ऐसे संकेतों को देखा है जो एक शिविर से दूसरे शिविर को भेजे गए। उसे संदेह कि कहीं किसी छापे हमले की योजना तो नहीं बना जाएगी। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था जहाँ से होकर लकड़ी, तांबा, रंगा, तेल, मदिरा और अन्य कई किस्मों का माल नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच लाया ले जाया जाता था। मारी नगर व्यापार के बल पर समर्थ हुए शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है। दक्षिणी नगरों को घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियाँ, लकड़ी और शराब तथा तेल के पिपे ले जाने वाले जलपोत मारी में रुका करते थे। मारी के अधिकांश जलपोत पर जाया करते थे, उस पर लदे हुए सामान की जाँच थे। एक नदी में 300 मदिरा के पिपे रखे जा सकते हैं और उसे आगे बढ़ाने की इजाज़त देने से पहले उसमें लदे माल की कीमत का लगभग 10% पर भार वसूल करते थे जो एक विशेष किस्म की नौकाओं में आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलासिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिला है। यह द्वीप उन दिनों तांबे तथा टिन के व्यापार के लिए मशहूर था।
परंतु यहाँ रांगे का भी व्यापार होता था क्योंकि कंसा औजार और हथियार बनाने के लिए एक मुख्य औद्योगिक सामग्री था, इसलिए उसके व्यापार का बहुत महत्व था। इस प्रकार यद्यपि मारी राज्य सैनिक दृष्टि से इतना सफल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में वह अद्वितीय था। मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व, ठीक है ये पढ़ लेना, इसमें कोई विषय नहीं है, नगरों की खुदाई के बारे में वगैरह दे रखा है। फिर है मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन को महत्व देते थे, जहाँ इनके अनेक समुदायों और संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहा करते थे। युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद वे अपने काव्यों के जरिए उन्हें याद किया करते थे। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर इतना अधिक गर्व था कि इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी वर्णन हमें गिलगमेश महाकाव्य के अंतर्गत में मिलता है। यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि गिलगमेश ने एन मरकर के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन किया था। वह एक महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया, लेकिन उसे उस समय गहरा झटका लगा जब उसका वीर मित्र अचानक मर गया। इसे दुखी होकर वह मृतव की खोज में निकल पड़ा। उसने सागरों महासागरों पार किए, दुनिया भर का चक्कर लगाया, मगर उसे अपने साहसिक कार्य में सफलता नहीं मिली। हारकर गिलगमेश अपने नगर उरुक लौट आया। वहाँ जब वह अपने आप को सांत्वना देने के लिए शहर की चार दीवारी के पास आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, तभी उसकी नज़र उन पक्की ईंटों पर पड़ी जिनसे उसकी नींव डाली गई थी। वह भाव विभोर उठा। इस प्रकार उरुक नगर के विशाल प्राचीर पर आकर उस महाकाव्य की लंबी वीरतापूर्ण और साहस भरी कथा का अंत हो गया। यहाँ गिलगमेश एक जनजातीय योद्धा की तरह नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है, पर उसके पुत्र तो जीवित रहेंगे और उस नगर का आनंद लेंगे। इस प्रकार उसे अपने नगर में सांत्वना मिलती है जिसे उसकी प्यारी प्रजा ने बनाया। लेखन कला की देन। हालांकि मर्मस्पर्शी कहानियों किस्सों और तरह तरह के वर्णन तो हमें मौखिक रूप से एक दूसरे को सुनाते हुए जीवित रखा जाता है, पर विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेजों और किताबों की जरूरत पड़ती है ताकि विद्वानों की आगे आने वाली पीढ़ियों पर पढ़ सके। संभवतः मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन है उसकी कालगणना और गणित की विविधतापूर्ण परंपरा है। 1800 ईस्वी के आसपास की कुछ पट्टिकाएँ मिली है जिनमें गुणा भाग की तालिकाएँ वर्ग और वर्गमूल और चक्रवर्ती ब्याज की सरणाएँ दी गई। 2 का वर्गमूल यह दिया गया, देखो इस तरह। अगर आप इसे हल करें तो इसका उत्तर 1.41421296 होगा और इसका सही उत्तर 1.41421356 से थोड़ा सा ही भिन्न है। उस समय के विद्यार्थियों को इस प्रकार के सवाल हल करने होते थे। अगर एक खेत का क्षेत्रफल इतना इतना है, वह एक अंगुल गहरे पानी में डूबा हुआ है, तो संपूर्ण पानी का आयतन बताओ। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, 1 महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, 1 दिन का 24 घंटों में, 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन, यह सब जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अचेतन हिस्सा है। मेसोपोटामिया से हमें मिला है समय का उपयुक्त विभाजन। सिकंदर के उत्तराधिकारी ने अपनाया, वहाँ से वह रोम और फिर इस्लाम की दुनिया को मिला और मध्ययुगीन यूरोप में पहुँचा। यह सब कैसे हुआ ये विषय साथ में पढ़ेंगे। जब कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण होते थे तो वर्ष मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था। इसी प्रकार रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर बराबर नज़र रखते हुए उनका हिसाब रखा जाता था। मेसोपोटामिया की इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भी उपलब्धि संभव नहीं होती, लेकिन लेखन की कला और विद्यालयों जैसे उन संस्थाओं का अभाव होता है जहाँ विद्यार्थीगण पुरानी लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते हैं और उनकी नकल करते हैं, जहाँ कुछ छात्रों को साधारण प्रशासन का हिसाब किताब रखने वाले लेखाकार न बनकर ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता है जो अपने पूर्वजों की बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सके। ये सोचना गलत होगा कि मेसोपोटामिया के शहरी लोग आधुनिक तौर तरीके से परिचित नहीं थे। अंत में हमें उन 2 प्रकार के प्रारंभिक प्रयत्नों का अवलोकन करना चाहिए जिनके द्वारा अतीत के प्रलेखों और परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश है। ये देखिए पुराकालीन एक पुस्तकालय है और एक आरंभिक पुरातत्व है, इसको पढ़ लेना। तो इस तरह और ये कालरेखा है सारी की कैसे कैसे कब क्या होता था। तो ये आपका पाठ हो गया पूरा, कल अपने तीसरा पाठ पढ़ेंगे। इनको थोड़ा सा पढ़ लेना आप, लोहे का प्रयोग है, सीरियाकार, किलाकार, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस मेन चीज़ें हमने जो पाठ के अंदर होती है ये तो बस एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए दी जाती है, जैसे एक प्रारंभिक पुरातत्व हो गया, एक पुराकालीन पुस्तकालय हो गया।